गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक एंड मैक्सिमम टॉर्क फॉर इंडक्शन मशीन मेरा नाम राजवीर सिंह है। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इंडक्शन मशीन का जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वेशन इज के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू के एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। यदि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो E2 का मान भी कांस्टेंट होगा और उसके स्क्वायर का मान भी कांस्टेंट होगा। तो दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस आर टू के एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर अपॉन एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर, जिसमें आर टू रोटर का रेजिस्टेंस है। आर टू आपका रोटर रेजिस्टेंस है और एक्स टू ज़ीरो रोटर का स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्शन मशीन में स्लिप को डिफाइन किया जाता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर इजकल टू स्लिप टाइम इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो हम ये इस सूत्र के आधार पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोटर की जो इम्पीडेंस है आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं होती है। ये चूँकि कांस्टेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी हमारी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। हमें जानकारी है कि इंडक्शन मशीन एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसे कह सकते हैं जिसके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। इट्स ए ट्रांसफार्मर दैट हैज़ ए शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी, जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है और फ्री टू रोटेट है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। एफ आर इजकल टू एस एफ एस एफ। तो हम इस टॉर्क इक्वेशन को दो कंडीशन में कैलकुलेट करना चाहेंगे, जब मोटर स्टार्टिंग में नहीं घूम रही है और तब जब मोटर अपनी नॉर्मल रेटेड स्पीड पर घूम रही है। तो लेट्स सी, एट स्टार्टिंग एन आर इजकल टू ज़ीरो, इट मीन्स स्लिप इजकल टू एन एस माइनस ज़ीरो अपॉन एन एस, स्लिप की मान आया हमारा वन। इसलिए इस परिस्थिति में रोटर की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। चूँकि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ है, ये काफ़ी हाई है, तो इस परिस्थिति में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रोटर की इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में जो एस स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर वाला कंपोनेंट है, इट इज़ क्वाइट लार्जर इन कंपेरिजन टू रोटर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे निकल के आता है। चूँकि ये रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है, इसलिए हम टॉर्क को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एस आर टू अपॉन एस स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर। मैंने जो आर टू स्क्वायर वाला कंपोनेंट है, चूँकि ये इसके कंपेरिजन में काफ़ी लो है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एस से एस आ गया, इट मेक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्लिप व्हेन मोटर इज स्टार्टिंग। तो ये चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो टॉर्क और स्लिप पे हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो ये आएगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। चूँकि टॉर्क स्लिप एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो किस तरह का ग्राफ आएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। अब हम कैलकुलेट करते हैं जब रोटर रनिंग कंडीशन में है, रोटर रनिंग एट रेटेड स्पीड, इट मीन्स एन आर इज रेटेड स्पीड एंड एन आर इज जस्ट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, इन दैट केस स्लिप बिकम्स स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस
एन आर अपॉन एन एस। अब चूंकि एन आर का मान लगभग एन एस के बराबर है तो स्लिप का मान काफ़ी कम होगा, लेट्स इट इज नियर अबाउट 0.1 फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, लेट्स इट इज 0.1 फॉर 0.1। यदि हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम ये देखेंगे कि जो रोटर की इम्पीडेंस है, रोटर की जो इम्पीडेंस है हमारी, इन दैट केस जो रिएक्टिव कंपोनेंट है एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, इसका मान और कम हो जाएगा। इट मीन्स आर टू रेजिस्टेंस ऑफ रोटर इज कंपेरेटिवली हाई देन कंपोनेंट एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर। तो हम इसको अभी छोड़ सकते हैं। इन दैट केस यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ देन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में यदि मैं टॉर्क और स्लिप में ग्राफ प्लॉट करूं, इट मीन्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और जब दो वेरिएबल जिनमें प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो उनका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से कंक्लूड किया जा सकता है कि टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक जो होगा मशीन का वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, एक पार्ट उसका रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा और दूसरा पार्ट उसका स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक को बनाते हैं। ये आपकी स्पीड है, रोटर की स्पीड एन आर। अब इसका मान जीरो से लेके अधिकतम एन एस हो सकता है, एन एस हो सकता है। चूँकि एन आर का मान बढ़ रहा है तो स्लिप का मान कम होगा, इसलिए मैं सेम स्केल पर स्लिप दिखा सकता हूँ जो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जब रोटर नहीं घूम रहा होगा, यानी कि रोटर स्पीड जब शून्य थी, तो रोटर की स्पीड जब हमारी शून्य थी तो आप देख सकते हैं स्लिप का मान हमने यहाँ पे वन कैलकुलेट किया था मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये होगा, जब रोटर घूमना शुरू कर देगा तो इसका मान धीरे धीरे कम होगा, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो एन आर के अपोजिट डायरेक्शन होगा। दिस इज योर टॉर्क, टॉर्क। तो अब हम प्लॉट करना चाहें तो ये आएगा हमारा ग्राफ इस तरीके से। ये मैंने हाइपरबोला वाला पार्ट बनाया और देन ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप and then it become straight line. This part is known as starting torque, this is known as starting torque. इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग टॉर्क का मान है। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है, रेक्टेंगल हाइपरबोला एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। एन एस एन आर स्लिप स्पीड जीरो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टॉर्क ये मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क टी स्टार्टिंग। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है एंड ये स्ट्रेट लाइन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यदि हम रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करें तो ये ग्राफ किस तरह का आता है। तो मान लीजिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है रोटर रेजिस्टेंस आर वन के लिए। अब मैंने रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट किया, लेट इट इज आर टू। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, तो यदि मैं रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान इंक्रीमेंट होगा। तो दिस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क, दिस इज योर
इट इज समथिंग लाइक दिस। इफ मैं इसको और यदि बढ़ाना चाहूँ, ये आर टू है, यदि मैं आर थ्री के लिए बढ़ाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का आएगा आर थ्री। तो आप देख सकते हैं कि आर थ्री इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। इस ग्राफ को देखने पर ये रिजेंबल कर रहा है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है इसका मान कांस्टेंट आ रहा है, जबकि हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने से, जैसा कि हमारे फॉर्मूले में आ रहा था कि रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर केवल स्टार्टिंग टॉर्क का मान, जो ये स्टार्टिंग टॉर्क है इसका मान इंक्रीमेंट होता है। हम ये देखना चाहेंगे कि इस मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट क्यों है और इसका मैक्सिमम अधिकतम मान कितना होगा और ये किस बात पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने टॉर्क इक्वेशन लिखी है। द टॉर्क इक्वेशन इज इक्वल टू के एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम डिफरेंस टू डिफरेंशिएट करके स्लिप के टाइम में इसको इक्वेट करूँगा जीरो के और देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है। फिर उसको डबल डिफरेंशिएट देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमा क्या निकलता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डी टॉक डी एस, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है तो हम इसको अभी हटा देते हैं एंड स्लिप कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू यूवी मेथड से करेंगे तो आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर ये हमने रखा, इसका डिफरेंशिएशन होगा स्लिप का टाइम कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू आर टू माइनस, अब हम इस कंपोनेंट को रखेंगे स्लिप आर टू और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर टू कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो और एस स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ एस एक्स टू जीरो स्क्वायर। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो एस स्क्वायर का टू एस हो जाएगा एक्स टू जीरो स्क्वायर अपॉन हर का स्क्वायर करना पड़ेगा तो आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं फर्दर मल्टीप्लाई करने पर, यदि मैं आर टू कॉमन ले लूँ दोनों में तो ये आ जाएगा आर टू, ये होगा आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ये एस एस से मल्टीप्लाई एस स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स टू जीरो का स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर टू इंटू ये हो जाएगा आर टू स्क्वायर, ये टू है तो कंपोनेंट बच जाएगा एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको इक्वेट टू जीरो करता हूँ तो आर टू यानी कि रोटर रेजिस्टेंस जीरो जो कि नहीं है, तो ये कंपोनेंट जीरो करके देखते हैं तो ये आएगा आर टू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर एंड आर टू इज इक्वल टू एस एक्स टू जीरो। इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यदि रोटर का रेजिस्टेंस स्लिप टाइम रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के मान के बराबर हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, अब हम मैक्सिमम टॉर्क का मान ज्ञात करते हैं। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू के
इसमें वैल्यू पुट करेंगे के एस आर टू की जगह मैं मान रख देता हूँ एस 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 एक्स टू ज़ीरो अपॉन आर टू की जगह मैंने एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर रखा प्लस एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के एस स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो इंटू टू एस स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया से ये कट गया, तो ये आएगा टी मैक्सिमम टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज के अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स टू ज़ीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि जो टॉर्क का मैक्सिमम मान है वो कांस्टेंट के अपॉन टू एक्स टू ज़ीरो है, इट मींस मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन आर टू। तो ये हम जो कर्व प्लॉट कर रहे थे तो इससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि चूंकि मैक्सिमम टॉर्क का मान रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए जब हमने स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया तो ये कर्व शिफ्ट हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू थी वो नियत रही है। इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि यदि हम यदि हम रोटर के रजिस्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रोटर का रेजिस्टेंस आर टू को एस एक्स टू ज़ीरो के बराबर रखें तो हम मैक्सिमम टॉर्क जो मशीन मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी उसको स्टार्टिंग में भी अवेल कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिया जा प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो रोटर के स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, और यदि इसका मान रेजिस्टेंस के बराबर रख दिया जाए स्टार्टिंग में रोटर के रेजिस्टेंस के मान को इस प्रकार से वेरी किया जाए कि उसका मान स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस स्लिप टाइम हो जाए तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो स्टार्टिंग में भी प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर हम एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने मैक्सिमम वैल्यू हमने रखी है आर टू रोटर रेजिस्टेंस इजकल टू स्लिप टाइम एस एक्स टू ज़ीरो किया, जब हम ये कर रहे हैं तो जो कर्व आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि अब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है, और ये कर्व आएगा इस तरीके से यहाँ पर दिस आर फोर ये जो कंडीशन आर फोर है आर फोर इज इक्वल टू स्लिप टाइम रोटर रिएक्टेंस दिस इज योर आर फोर। तो इस प्रकार से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडक्शन मशीन है इंडक्शन मशीन का टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और स्लिप पर डिपेंड करता है, ये चूँकि स्लिप वेरिएबल रहती है इंडक्शन मशीन के स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन तक, और इस कारण से जो टॉर्क है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, बाद में वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि जब मशीन नहीं घूम रही होती है तब स्लिप का मान वन है, इन दैट केस स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्लिप, और जब मशीन रोटेटेड स्पीड पर घूम रही है तो स्लिप का मान काफ़ी कम होता है, इन दैट केस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक दो अलग अलग ये आपके रेक्टेंगल हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन कर्व हैं, इनको मिलकर बनता है। इस ग्राफ से हम जो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इसके जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल रहे हैं ये हम निकाल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है जो इस ग्राफ से स्टार्टिंग टॉर्क इस प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, यदि हम रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने निकाला कि मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट
टू रोटर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम टॉर्क का मान, मैक्सिमम टॉर्क का मान रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। थर्ड कंक्लूजन जो हम इससे इम्पोर्टेंट निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क को हम स्टार्टिंग में ही मोटर के स्टार्टिंग में ही भी निकाल सकते हैं यदि हम रोटर के रेजिस्टेंस को स्लिप टाइम रोटर रिएक्टेंस कर दें तो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो हमें स्टार्टिंग में भी प्राप्त हो जाएगा। एंड लास्ट कंक्लूजन बट नॉट लीस्ट कि स्लिप के मान मैक्सिमम टॉर्क है वो आप देखिए ये जो टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क है हम R2 चेंज कर रहे हैं तो रोटर का स्लिप चेंज होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स वेरीज विद रोटर रेजिस्टेंस। हम ये कह सकते हैं कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स वेरीज विद चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि जब रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर स्लिप का मान अलग है, लेट इट इज S1, दिस इज योर S2 एंड दिस इज योर S3। इट मीन्स स्लिप एट विच आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्राफ, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर वेरीज विद चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हम मशीन का कैसे बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क का मान कितना होता है और ये नियत होता है, और मैक्सिमम टॉर्क रोटर के रिएक्टेंस पे निर्भर करता है, रोटर के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। थैंक यू।